हेलो दोस्तों, आप सभी को हमारे यूट्यूब चैनल टेट चेस कास्ट में दिल से बहुत बहुत स्वागत है। तो चलिए दोस्तों, आज हम आप सभी के लिए एक न्यू वीडियो लेकर आ चुके हैं। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि दोस्तों यूट्यूब में डेली बाय डेली वीडियो अपलोड करने से क्या होता है। तो दोस्तों, यानी अगर आप डेली बाय डेली वीडियो यूट्यूब पर डालते हैं तो क्या होगा, यानी दोस्तों अगर आप डेली बाय डेली यूट्यूब पर बहुत ज़्यादा वीडियो डालते हैं तो दोस्तों उससे क्या होगा। तो दोस्तों मैं आपको आज पूरे फायदे और नुकसान के बारे में बताने वाला हूँ, ठीक है। तो चलिए वीडियो के करते हैं स्टार्ट। दोस्तों, अगर आप यूट्यूब पे काम करना चाहते हैं या नए क्रिएटर हैं तो दोस्तों अगर आप डेली बाय डेली वीडियो अपलोड करते हैं, ठीक है, तो दोस्तों उससे क्या होगा कि दोस्तों आपको एक्सपीरियंस आएगा, ठीक है। यानी दोस्तों कैमरा को दोस्तों कैसे रखेंगे या कैमरा के सामने हम कैसे बात करेंगे, यानी दोस्तों अगर आप डेली बाय डेली वीडियो अपलोड करोगे तब, ठीक है। और दोस्तों अगर मान लीजिए अगर आप दोस्तों एक एक दिन करके वीडियो अपलोड करते हैं तो दोस्तों आप वैसा ही के वैसा ही आपका वीडियो रह जाएगा। तो दोस्तों इससे अच्छा है कि दोस्तों जब भी आप अगर आप वीडियो अपलोड करते हैं यूट्यूब पर तो दोस्तों आपको डेली बाय डेली वीडियो अपलोड करना चाहिए। उससे क्या होता है, अगर आप डेली बाय डेली वीडियो अपलोड करोगे तो दोस्तों आपको बहुत ही आसान हो जाएगा। दोस्तों आपको बहुत ही सारे जानकारी हो जाएगा कि दोस्तों हम कैसे डेली बाय डेली वीडियो अपलोड करेंगे और आपके वीडियो में दोस्तों कुछ सुधार आने लगेंगे, ठीक है। दोस्तों क्या होता है, जब भी कोई नए यूट्यूबर यूट्यूब पे वीडियो अपलोड करते हैं तो दोस्तों उनके वीडियो को आप देखिएगा, ठीक है। मान लीजिए अगर आप सबसे फर्स्ट वाले उनके वीडियो देखते हैं तो दोस्तों आपको अच्छा नहीं लगेगा, ठीक है। अगर आप 10 दिन के बाद वाले वीडियो देखते हैं तो बहुत ही थोड़ा बहुत आपको उसमें अच्छा लगेगा। उसके बाद दोस्तों 20 दिन वाले बाद अगर आप वीडियो देखते हैं तो दोस्तों आपको बहुत कुछ अच्छा नज़र आएगा। और अगर आप मान लीजिए दोस्तों 30 दिन के पहले यानी 30 दिन बाद उसके दोस्तों वीडियो देखते हैं तो दोस्तों आपके वीडियो में बहुत सारे दोस्तों चेंजेस नज़र आएगा। तो दोस्तों अगर आप डेली बाय डेली वीडियो अपलोड करते हैं तो दोस्तों आपको खुद कुछ जानकारी हो जाएगा, कुछ आपको इंटरेस्टिंग आ जाएगा, ठीक है। और आपको दोस्तों कोई गड़बड़ या कोई दिक्कत नहीं होगा। तो दोस्तों ये मान लीजिए यूट्यूब पे डेली बाय डेली अपलोड वीडियो करोगे तब दोस्तों आपको फायदा होगा, ठीक है। मान लीजिए दोस्तों अगर आप गैप करके डालते हो तो दोस्तों आपको कुछ नहीं पता चलेगा। मान लीजिए अगर आप एक दिन वीडियो अपलोड कर देते हैं और 5 दिन रुक जाते हैं तो दोस्तों उससे क्या होगा, आपको तो उससे कुछ जानकारी हो ही नहीं पाएगा। और आपको दोस्तों क्या बोलना है, क्या करना है, आपको दोस्तों कुछ एक्सपीरियंस भी नहीं आएगा, ठीक है। तो दोस्तों ये नुकसान है। तो दोस्तों आपको कुछ सीख मिलेगा, ठीक है। अगर मान लीजिए दोस्तों ये तो आप जान लिया, और मान लीजिए अगर आप दोस्तों यूट्यूब पे मान लीजिए बहुत ज़्यादा वीडियो डालने से क्या होता है तो दोस्तों मैं भी ये आपको बताने वाला हूँ। तो दोस्तों अगर आप यूट्यूब पे मान लीजिए दोस्तों एक दिन में 2 वीडियो या 3 वीडियो अपलोड कर रहा है तो दोस्तों आपको इससे मान लीजिए अगर आप जितने भी आप अपने YouTube पे वीडियो अपलोड करोगे तो दोस्तों ये आपके लिए ही अच्छा रहेगा, ठीक है। ओके, क्योंकि दोस्तों अगर जब भी आप मान लीजिए एक दिन में दोस्तों 2 वीडियो या 3 वीडियो अपलोड कर रहे हैं तो दोस्तों आपका चैनल बहुत जल्दी ग्रो होगा, ठीक है। यानी दोस्तों आपका चैनल बहुत ही जल्दी मोनेटाइज होगा और सब्सक्राइबर भी पूरेगा। तो दोस्तों ये मान लीजिए अगर आप डेली बाई डेली 2 या 3 या 4 वीडियो अपलोड कर रहे हैं तो दोस्तों आपको ये चैनल का फायदा है और ये आपके लिए फायदा है, ठीक है। तो दोस्तों आप तो समझ गए। अब दोस्तों मैं आपको बताने वाला हूँ दूसरा फायदा यह है। दोस्तों मान लीजिए अगर आप YouTube पे बहुत ज्यादा वीडियो डाल रहे हैं, ठीक है, तो दोस्तों इसमें बहुत ही आपको फायदा है। वो क्यों कि मान लीजिए अगर आपके दोस्तों वीडियो पे अगर आप मान लीजिए 200 व्यू आ रहा है या 300 व्यू आ रहा है, ठीक है, तो दोस्तों अगर आप यूट्यूब पे बहुत ज्यादा वीडियो डाल रहे हैं, ठीक है, तो दोस्तों आपका एक दिन ना एक दिन जरूर वीडियो वायरल होगा, ठीक है, ज़्यादा वीडियो डालने से। और ज़्यादा वीडियो डालने से क्या होता है, आपका वीडियो भी वायरल होगा और आपका दोस्तों चैनल भी बहुत ही फास्ट में ग्रो करेगा, ठीक है। तो दोस्तों उससे क्या होगा, आपका दोस्तों वॉच टाइम भी काउंटिंग होगा और दोस्तों मान लीजिए सब्सक्राइबर भी दोस्तों जुटेंगे और दोस्तों आपका चैनल भी बहुत ही जल्द मोनेटाइज हो जाएगा। तो दोस्तों ये यूट्यूब पर बहुत ज़्यादा वीडियो डालने से ये फायदा है। अब दोस्तों तीसरा फायदा क्या है, तीसरा फायदा हमको दोस्तों यह है YouTube से, मान लीजिए अगर आप लॉन्ग क्रिएटर हो या शॉर्ट्स क्रिएटर हो, ठीक है, तो दोस्तों आपको मान लीजिए अगर आप YouTube पे बहुत सारे वीडियो अपलोड कर रहे हैं यानी दोस्तों डाल रहे हैं, तो दोस्तों अगर आप बहुत सारे वीडियो डाल रहे हैं लॉन्ग हो या शॉर्ट्स हो
तो दोस्तों अगर कुछ दिन के बाद आपका एक ना एक वीडियो मान लीजिए एल्गोरिथम में जाएगा, ठीक है, यानी दोस्तों आपका वीडियो बहुत ही जल्दी बूस्ट करेगा और आपके दोस्तों कोई एक वीडियो पे बहुत ज़्यादा व्यूज आएगा, ठीक है। तो दोस्तों अगर आप लॉन्ग क्रिएटर हो या शॉर्ट्स क्रिएटर हो तो दोस्तों आपको डेली बाई डेली वीडियो डालना चाहिए और एक दिन में दो वीडियो या तीन वीडियो आप जितना टाइम निकाल कर डालोगे आपके लिए उतना ही अच्छा रहेगा। मान लीजिए दोस्तों शॉर्ट्स क्रिएटर ऐसे बहुत सारे हैं न्यू यूट्यूबर जो एक दिन में दोस्तों सिर्फ एक ही वीडियो डालते हैं, और दोस्तों कोई होता है कि महीना में सिर्फ दो या तीन वीडियो डालता है। और दोस्तों मान लीजिए अगर अगर हमको शॉर्ट्स क्रिएटर मान लीजिए दो दिन भर में दोस्तों तीन या चार वीडियो जो अपलोड करता है दोस्तों उनके लिए तो ये बहुत ही अच्छा है, क्योंकि दोस्तों अगर मान लीजिए तीन वीडियो या चार वीडियो एक एक दिन का डालता है तो दोस्तों वो बहुत ही जल्दी उनका वीडियो YouTube एल्गोरिथम में जाएगा और उनका वीडियो बूस्ट करेगा और दोस्तों उनके वीडियो पे बहुत सारे व्यूज आएंगे। तो दोस्तों ये आपका तीसरा फायदा है। अब दोस्तों चौथा यानी दोस्तों चौथा नुकसान क्या है, मान लीजिए दोस्तों YouTube पे ज़्यादा वीडियो डालने से आपको क्या नुकसान है, ठीक है। तो मान लीजिए दोस्तों अगर आप क्रिएटर हो, ठीक है, और दोस्तों आप सोच लेते हो कि हाँ हम दिन भर में दोस्तों 10 से 15 वीडियो डाल देंगे, तो दोस्तों मान लीजिए अगर आप दिन भर में 10 या वीडियो डाल देते हैं तो दोस्तों उससे असर क्या होगा कि दोस्तों आपको दिमाग पे असर पड़ेगा, ठीक है, यानी दोस्तों आपको मान लीजिए दिमाग में घाचूर मुचूर हो जाएगा, दोस्तों आप सोचने लगेंगे कि क्या डाले, ये डाले, वो डाले। तो दोस्तों ये आपको चौथा नुकसान है, ठीक है। तो दोस्तों मान लीजिए अगर आप दिन में 10-15 वीडियो डालना चाहते हो तो दोस्तों आपको उसके लिए एक प्लेलिस्ट बनाना पड़ेगा, तब दोस्तों आप डाल सकोगे। अगर आप दोस्तों प्लेलिस्ट नहीं बनाते हो और सोचते हो कि हम दिन भर में दोस्तों 10 वीडियो या 15 वीडियो YouTube पे डाल दें तो दोस्तों वैसे नहीं होगा, क्योंकि दोस्तों उससे अगर आप वैसे करते हो तो दोस्तों वो आपके दिमाग पे जोर पड़ेगा और आपको उससे दोस्तों घाटा हो जाएगा, ठीक है। तो दोस्तों ये चौथा मैंने आपको बता दिया, अब चलिए दोस्तों पांचवा बताते हैं। तो पांचवा दोस्तों बेनिफिट ये है, मान लीजिए दोस्तों अगर आप नए क्रिएटर हो या दोस्तों पुराने क्रिएटर हो, ठीक है, तो दोस्तों क्या करते हो अगर आप लोग बार बार YouTube पे वीडियो अपलोड कर रहे हो, ठीक है, मान लीजिए अगर आप लोग बार बार वीडियो अपलोड कर रहे हो दिन भर में दोस्तों मान लीजिए 10 वीडियो या 15 वीडियो अपलोड कर रहे हो तो दोस्तों उससे क्या होगा, अगर आप दोस्तों पुराने दोस्तों क्रिएटर हो या नए क्रिएटर हो तो दोस्तों उससे क्या होगा कि दोस्तों अगर आपके जितने भी ऑडियंस है, ठीक है, दोस्तों वो बोर हो जाएंगे, वो सोचेंगे कि दोस्तों ये दोस्तों एक ही वीडियो को बार बार अपलोड कर रहा है तो दोस्तों हम इनको वीडियो को क्यों क्लिक करें, क्यों देखें, तो दोस्तों ये पांचवा हो जाएगा। और दोस्तों मान लीजिए छठा है, तो दोस्तों वही जो मान लीजिए नए क्रिएटर हो या चाहे पुराने क्रिएटर हो वो भी सोचने लगा कि बार बार ये वीडियो अपलोड कर रहा है तो दोस्तों इनके वीडियो को हम कितने देखें और क्या करें, क्या सोचे, वो दोस्तों सोचने लगता है। तो दोस्तों इससे अच्छा है मान लीजिए अगर आप नए क्रिएटर हो या दोस्तों पुराने क्रिएटर हो तो दोस्तों आपको दिन में सिर्फ दो ही वीडियो अपलोड करना चाहिए, क्योंकि दोस्तों अगर आप दो वीडियो अपलोड करते हैं तो दोस्तों आपका चैनल बहुत ही जल्द ग्रो करेगा, ठीक है, यानी दोस्तों आपका बहुत ही जल्द चैनल मोनेटाइज हो सकता है। तो दोस्तों सबसे पहले नए क्रिएटर हो तो दोस्तों आपको दो वीडियो अपलोड करना चाहिए। तो दोस्तों मान लीजिए अगर आप दो दोस्तों वीडियो अपलोड करते हो तो दोस्तों आपके ऊपर प्रेशर ज़्यादा नहीं आएगा। अगर आप दोस्तों सोच लेते हो कि दोस्तों हम दिन भर में 10 वीडियो डालें या 15 वीडियो डालें तो दोस्तों आपको आपके ऊपर दिमाग के प्रेशर बहुत ज़्यादा आ सकता है, ठीक है। तो दोस्तों ज़्यादा प्रेशर लाने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ दिन में दो वीडियो डालो और दोस्तों आराम से अगले वीडियो यानी दोस्तों अगले टॉपिक के बारे में सोचो कि दोस्तों हम अगले नेक्स्ट दिन कैसे वीडियो डालें यानी किस टाइप के वीडियो डालें। तो दोस्तों आपको सिर्फ दिन में नए क्रिएटर हो तो दो वीडियो डालो, ठीक है, अगर आप दो वीडियो डालोगे तो दोस्तों आपको दिमाग पे ज़्यादा प्रेशर नहीं आएगा, ठीक है। तो दोस्तों आप सभी को बहुत ही बढ़िया, अगर मेरे वीडियो अच्छा लगा है तो मेरे वीडियो को लाइक और कमेंट कर दीजिए। अगर आप दोस्तों इस चैनल पर नए होंगे तो दोस्तों इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। थैंक यू सो मच माई एल फ्रेंड।